तो भाई फार्माकोग्नोसी में आज जो टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आयुर्वेदिक फॉर्म देखो क्या क्या ये फॉर्मुलेशन होते हैं इनके बारे में तो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, राइट। तो अब टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अरिस्टा और असावा के बारे में, ठीक है। उसके बाद के वीडियो में गुटिका तैलिया के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट में चूना लेहा और भस्म के बारे में बात करेंगे, ओके। तो मैक्सिमम लोगों को पता है लेकिन फिर भी चूंकि आपके टॉपिक का पार्ट है इसलिए कोशिश की जाएगी इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ओल्ड एज द वैदिक एज। कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ का आयुर्वेदिक सिस्टम है ये इतना पुराना है जितने पुराने हमारे वेद और पुराण हैं। मीन्स वेदों का जो युग है उस समय से आयुर्वेद हमारे यहाँ पे प्रचलित है और तब से ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये मेडिसिनल व्यवस्था, ये ट्रेडिशनल मेडिसल मेडिसिन सिस्टम ये हमारे यहाँ पे प्रचलित है। नाउ डेज पीपुल गिव द प्रेफरेंस ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन। जब से देखा जाए कोविड आया है, इवन कोविड के पहले से अगर इसका श्रेय दिया जाए तो बाबा रामदेव को दे सकते हो कि जब से बाबा रामदेव ने योगा चालू करवाया और आयुर्वेद, देखो बहुत सारे लोगों के मत हो सकते हैं बाबा रामदेव को लेके, बुराई भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जो आज भी किसी को सर्दी होती है तो सबसे पहले शुरू कर देते हो, है कुछ भी पेट में प्रॉब्लम है कपालभाति शुरू कर देते हो, दौड़ना जागरूकता ये फैलाई रामदेव ने, है ना, ये मानना पड़ेगा। दूसरा आयुर्वेद के प्रति ज्ञान कि भाई इस बीमारी में ये दवा खा लो, इस बीमारी में ये दवा खा लो, इस बीमारी में ये दवा खा लो, और खास चीज जब से कोविड आया है तब से तो आयुर्वेद पे भरोसा लोगों का बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक। तो आजकल के टाइम पे आयुर्वेद को लोग एलोपैथिक से ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं क्योंकि एलोपैथिक एक तो महंगी ज़्यादा है, दूसरे उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे पैसे की बात आती है आदमी स्वार्थी हो जाता है, राइट। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर बेस्ड ऑन प्लांट एनिमल एक्सट्रैक्ट एंड मिनरल बोथ इन द सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग कंपाउंड फॉर्मुलेशन। तो आयुर्वेदिक प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, मिनरल्स पे, मींस नेचुरल सोर्सेस पे कंप्लीटली बेस्ड है, ओके। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं कास्ट औषधि, जिसको जो जो है बेसिकली प्रिडोमिनेट है कंप्लीटली प्लांट ड्रग्स पे। दूसरे को बोलते हैं रस औषधि, जो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, मेटल और मिनरल्स पे, जिसको हम रस शास्त्र भी बोलते हैं। रस शास्त्र बेसिकली डील करता है मिनरल्स और मेटल से बनी हुई दवाओं पे। तो दो चीजों में हमने इस पे डील किया, एक कास्ट औषधि है ना जो बेसिकली प्लांट पे डिपेंडेंट है, और रस औषधि जो किस पे है, मिनरल्स और मेटल्स पे। देयर आर द सेवरल कैटेगरी ऑफ द कास्ट औषधि फॉर्मुलेशन। अब जो कास्ट औषधि फॉर्मुलेशन है मीन्स प्लांट पे बेस्ड है, इसकी अलग अलग वो है, जैसे असावा हो गया, अरिस्टा, अवलेहा, ग्राफा, चूना, तैलिया और भी बहुत कुछ। रस औषधि की बात करें तो इसमें भस्म आ गई, पिस्ती हो गई, लोहा हो गया, कभी बकवा हो गया और रसायना हो गया, राइट। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं अगर हम क्लासिफाई करें या बात करें कौन कौन सी हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स अवेलेबल किसमें, पहले तो सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियों में अवेलेबल होती थी, है ना, बहुत ज़्यादा चूर्ण में अवेलेबल होती थी। अब तो इनके पाउडर तो है ही हैं, टैबलेट, पिल्स, लिक्विड, सेमी सॉलिड, क्लासिफाइड द फॉलोइंग अलग अलग कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया। रस, जैसे रस रसायन, लौ हो गया, बट्टी मतलब टैबलेट हो गया, चून चूरन हो गया, अवलेहा, अवलेहा बोले तो जो सेमी सॉलिड जैसे चमनप्रास आता है, चमनप्रास को क्या बोलते हैं, जैसे वैद्यनाथ का चमनप्रास हो गया, पतंजलि का हो गया, ये क्या है, अवलेहा है, ठीक है। घृता मतलब घी, तैलिया मतलब तेल, गुगुल तो गुगुल जानते ही हो आप लोग इनका फर्दर। अब बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड फॉर्मुलेशन डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड डोजेस फॉर्म और पाउडर डोजेस फॉर्म। यही डोजेस फॉर्म हमें पता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में वाटिका, गुटिका और गुगुल आता है, सेमी सॉलिड में कलका, अवलेहा, घृता, लेप और पाक आता है,
पाउडर फॉर्म में चूर्णा है, भस्मा है, सत्व है और लवना है। इस तरीके से आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें हमको लिक्विड डोजेस फॉर्म असावा और अरिस्टा इस वीडियो में देखना है। तो शुरू करते हैं भाई असावा और अरिस्टा का, इसमें हम डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक, कि देखो कि क्या दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो अरिस्टा और असावा ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड हैं जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम से बनाए जाते हैं। अब देखो क्या है हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, मींस पानी और अल्कोहल दोनों मिला है, राइट। अब अल्कोहल क्या बाहर से शराब मिला दी गई है, ऐसा नहीं है। इनका जो बनाने का तरीका है अभी हम जब देखेंगे तो फर्मेंटेशन मेथड है, तो उस फर्मेंटेशन मेथड से अल्कोहल भी बनता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रो अल्कोहलिक मेथड बोलते हैं। पानी तो मिलाया ही जाता है तो हाइड्रो तो हो ही गया, लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल वैसे भी फर्मेंटेशन से बनता है, इसीलिए इस फॉर्मुलेशन को हम हाइड्रो अल्कोहलिक फॉर्मुलेशन बोलते हैं। असावा अरिस्टा कभी भी पूछा जाए तो लिक्विड के साथ हाइड्रो अल्कोहलिक प्रोसेस एमसीक्यू में ध्यान रहे, राइट। दूसरा, अल्कोहलिक मेडिकामेंट इन विच अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड बाय मींस ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस, मींस अल्कोहल बाहर से नहीं मिलाया गया है, अल्कोहल इस मेडिकामेंट में खुद जनरेट हुआ है बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट। डेफिनेशन की बात की जाए अगर असावा और अरिस्टा की, तो डेफिनेशन असावा अरिस्टा आर द मेडिकल प्रिपरेशन मेड बाय सोकिंग द ड्रग। सोकिंग द ड्रग मतलब ड्रग को लिया और हमने पानी में डिप करके रख दिया या किसी सॉल्यूशन में डिप करके रखा उसने, और उसने क्या किया, तो असावा अरिस्टा का जो मटेरियल था, जो क्रूड था, उसने सोख लिया। सोकिंग ऑफ द ड्रग आइदर द पाउडर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द कसाया, बोले तो डिकॉक्शन मेथड इन सॉल्यूशन ऑफ द सुगर जैगरी फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर गो द फर्मेंटेशन। क्या हुआ, अरिस्टा और असावा का हमने क्रूड लिया, क्रूड को हमने क्या किया, पाउडर बनाया और उसको उसका डिकॉक्शन किया। डिकॉक्शन करके हमने सुगर के या फिर गुड़ के, क्या जैगरी है ना, के सॉल्यूशन में एक लंबे समय तक, 1 से 2 महीना, 1 से 3 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम तक हमने स्टोर करके रख दिया। किस लिए, फर्मेंटेशन होने के लिए। जब फर्मेंटेशन होगा तो इसमें एल्कोहल भी बनेगा, इसीलिए इसको हाइड्रो अल्कोहलिक बोलते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, असावा और अरिस्टा की। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रखना, इधर साइड में देखो हमने कुछ दिखाया है, ये कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं। इस बर्तन के अंदर क्या किया गया है, देखो क्या, पहले इधर समझो प्रिपरेशन क्या, क्रूड ड्रग मेंशन इन द फॉर्मुलेशन, जो असावा और अरिस्टा थी, एक सेकेंड, जो असावा और अरिस्टा था उसका क्रूड फार्मूला ले लिया गया, उसको पाउडर बना दिया गया। पाउडर बना के जो असावा का था पाउडर ड्रग और जो अरिस्टा का था वो डिकॉक्शन पाउडर था, ठीक है, डिकॉक्शन मेथड से पाउडर बनाया गया। इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया फर्मेंटेशन वेसल में। फर्मेंटेशन वेसल क्या, मटके हो गए एक तरह से जान लो, किस तरीके के, मिट्टी के मटके, जो साइड में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन वेसल, इसमें डाल दिया गया। अब इस मटके में पहले से हमने सॉल्यूशन ऑफ सुगर, जैगरी या हनी को ऐड करके रखा है, मींस गर्म करके डिजोल्व कर रखा है पहले से, ठीक है। और फॉर द फर्मेंटेशन के लिए हमने धात की पुष्प, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है वुडफोर्डिया फ्रक्टिकोसा के, जो पत्तियां हैं उसको हमने, उस फूल की पत्तियां, ये रेड कलर का फूल होता है ना, लंबा लंबा सा इस तरीके का फूल होता है, इसमें लाइक दिस इस तरीके का फूल होगा, है ना, धात की पुष्प, राइट। ये फर्मेंटेशन कराने में, फर्मेंटेशन में मीन्स एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है जो फर्मेंटेशन जल्दी करवा देता है, और साथ में फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ओके। उसके बाद जब ये सब कुछ कर दिया तो मिट्टी के ढक्कन से, देखो इसमें मिट्टी के ढक्कन लगे हुए, मिट्टी के ढक्कन से इसको हमने ढक दिया, मिट्टी के ढक्कन से ढक के और चारों तरफ मिट्टी लगा दी ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर का असर उसमें न जाए, मींस मिट्टी से सील कर दिया एक तरह से। उसके बाद फर्मेंटेशन कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मींस धीमी आंच में, नीचे हल्का सा, एकदम धीमी आंच, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और 1 से 3 महीने तक डार्क प्लेस में, डार्क प्लेस में ऐसी जगह इसको इस तरह से सील करते हैं कि इसमें एयर का सर्कुलेशन ना हो। जब क्ले से, मिट्टी से अच्छे से सील कर दोगे तो अंदर क्या,
एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, मिट्टी के बर्तन में है, अंदर डार्क रहेगा, सनलाइट नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फर्मेंटेशन होगा, इसके इसमें जो फ्लूइड निकलेगा भाई, अर्क जो है असावा और अरिस्टा का, इसके अंदर आ जाएगा, उसको डिकेंट करेंगे और डिकेंट करने के बाद फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद बॉटल में रख लेंगे और बॉटल में रखने के बाद उसको सील कर लेंगे। इस तरीके से ये लिक्विड प्रिपरेशन बन जाता है असावा और अरिस्टा का। इसी तरीके से अगर हमें आमला का असावा बनाना है, लिक्विड फॉर्मुलेशन आमला का बनाना, तो जस्ट एग्जांपल देता हूं, आमला का फ्रूट ले लो, उसको पानी में वॉश कर लो, उसके सीड को अलग कर दो, ठीक है, फिर आमला का जूस क्रश करके, प्रेस करके, क्रश करो, प्रेस करो, निकाल के क्या करो, फ्रूट पल्प विद द कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ में प्रेस करके निकाल दिया हमने, जो हमको रस मिला उसमें क्या किया हमने, 10 ग्राम फ्लावर मिला दिया, वुडफोर्डिया फ्रक्टियोसा, जिसमें 12 ग्राम हमने मिला दिया क्या, गुड़ मिलाया, जैगरी, उसके बाद 3 महीने के लिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए हमने सेट फॉर 3 मंथ फर्मेंटेशन पीरियड 30-35 विद शेकिंग आफ्टर 24 आवर्स उसको हमने शेक किया, अच्छे से बीच बीच में मिलाया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर 3 महीने के लिए उसको हमने 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया फर्मेंटेशन के लिए। जब फर्मेंटेशन हो गया तो उसको हमने मेम्ब्रेन फिल्टर यूनिट लगा के उसको फिल्टर कर लिया, और फिल्टर करके जो आंवला का जूस बाबा रामदेव प्रोवाइड कराते हैं वो असावा बोलते हैं उसको, और वो इसी मेथड से बनाया जाता है। अब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, मिट्टी के बर्तन नहीं कह सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक तरीका है वो इसी तरीके से असावा बनाया जाता है, राइट। तो इस तरह से आंवला फ्रूट का असावा हो गया। प्रिकॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशन में वाटर शुड बी बॉयल्ड फर्स्ट इन विसल, भाई सबसे पहले प्रिकॉशन में जो पानी है उसको विसल में ही बॉयल कर लेना है। इफ द फर्मेंटेशन इज टू बी कैरीड आउट इन द अर्दन वेसल, इट शुड बी न्यू, भाई मिट्टी के बर्तन में अगर फर्मेंटेशन कराना है तो ऐसा नहीं कि वो किसी में इस्तेमाल किया हो, वो नया होना चाहिए। दूसरा, शुड नॉट बी श्योर, मीन्स उसमें किसी तरह का पहले से कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस ना हुआ हो, किसी तरह की कोई गंदगी ना हुई हो। द प्रिपरेशन हैज करेक्टरिस्टिक एरोमेटिक एल्कोहलिक ऑर्डर, जो ऑर्डर रहता है उसका कैसा रहता है, एरोमेटिक एल्कोहलिक। स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड वेल स्टॉपर्ड बॉटल, भाई जब आपने असावा या अरिस्टा निकाल लिया तो उसको बढ़िया सील पैक में, मींस ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है कंटेनर्स रहें, और उसको रखना कैसे, कूल प्लेस में सनलाइट से दूर रखना है। इसीलिए आप देखते होंगे जो बॉटल्स होती हैं वो कैसी अम्बर्ड कलर की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें, तो असावा की बात करें तो कौमार्य असावा, अरविंद असावा, वसाक असावा, चंदन असावा, है ना। अरिस्टा की बात करें तो बाल रिस्टा, अशोका रिस्ट और दसमूला रिस्ट, ये सब क्या है, अरिस्टाज हैं। असावाज और अरिस्टाज की मार्केट प्रिपरेशन ये पूछ लेते हैं कभी कभी एमसीक्यू में, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी क्या होगी, शुड बी क्लियर होगा ये, है ना। असावा अरिस्टा में फोम, चाहे जितना हिला लो फोम फॉर्मेशन नहीं होगा। शुड नॉट बिकम श्योर ऑन स्टैंडिंग, लंबे समय तक रखने से इसमें खटास नहीं आई, खराब नहीं होगा। इसकी जो ऑर्डर होगी एल्कोहलिक या एरोमेटिक ऑर्डर होती है। मॉडरेटरी एल्कोहल लगभग कितना, 12% वॉल्यूम, मीन्स क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन में इससे ज़्यादा नहीं, बाकी स्वीटनिंग एजेंट रहता है, स्लाइट एसिडिक होता है, और एग्रीएबल अरोमा, मीन्स जो है जो स्मेल है, जो महक है, वो एग्रीएबल रहेगी, ठीक है। डिफरेंस की बात करें, बेसिकली छोटा सा है असावा और अरिस्टा डिफरेंस, तो अरिस्टा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकॉक्शन ऑफ द ड्राइड मेडिसिन, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के टाइम पे ही भी बता रखा है अगर ध्यान हो तो जो अरिस्टा बनता है वो डिकॉक्शन मेथड से, किसकी, ड्राइड मेडिसिनल हर्ब से, और असावा जो बनता है वो फ्रेश ड्राइड हर्ब्स रहती हैं इसमें, इसमें डिकॉक्शन मेथड नहीं, डायरेक्ट हम फ्रेश हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं असावा में, और अरिस्टा में डिकॉक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंस था। इस तरह असावा और अरिस्टा कंप्लीट, इवन मोर देन कंप्लीट, खत्म हो गया। नेक्स्ट पे हम नेक्स्ट दो और जो है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई और समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।